रेडी स्टार्ट। मानवता की सेवा में समर्पित अपने जीवन काल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कुष्ठ रोगियों का भी उपचार एवं देखभाल करते थे। गांधी जी के अनुसार स्वयं को जानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है स्वयं को मानवता की सेवा में विलीन कर देना। कुष्ठ रोगियों की सेवा के उद्देश्य से दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक आशीष जी ने इस मिशन की नींव रखी। आज से 2 दशक पूर्व एक युवा का प्रयागराज से हरिद्वार आकर समाज की परंपराओं के विरुद्ध जाकर इस संस्थान की स्थापना एवं विकास करना आसान नहीं था, परंतु अपनी संकल्प शक्ति एवं दृढ़ता से अपने इस सेवा प्रकल्प को विस्तृत रूप देकर आशीष जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की अनेक गतिविधियां अनुकरणीय हैं। समिधा सेवार्थ चिकित्सालय द्वारा कुष्ठ रोगियों का उपचार, विद्यालयों में कुष्ठ प्रभावित लोगों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था, विशेषकर हमारी बेटियों को भी छात्रावास की सुविधा देना तथा शोभा स्मृति कौशल विकास केंद्र की स्थापना से ये सभी योगदान बहुत सराहनीय हैं। इस प्रकार दिव्य प्रेम सेवा मिशन यहाँ रह रहे बच्चों के समग्र विकास हेतु प्रयासरत है। आपस में बने अपने मिशन के सिद्धांत सेवा साधना संबोधि को कार्य रूप दिया है। ऐसे उत्कृष्ट सेवा कर्म और समर्पण के लिए इस मिशन के संस्थापक और उनके सभी सहयोगियों को मैं बधाई देता हूँ। मैं इस मिशन की गतिविधियों और उसके विकास को तब से देख रहा हूँ जब यहाँ घास फूस की एक झोपड़ी में कुष्ठ पीड़ितों की चिकित्सा सेवा आरंभ की गई थी। आज यह मिशन बड़े पैमाने पर सेवारत भी है और जन चेतना का संचार भी कर रहा है। आज मेरे मानस पटल पर वे सभी पुरानी स्मृतियां धीरे धीरे उभर रही हैं। हमने देखा है कि कुष्ठ से प्रभावित रोगियों के बीच में काम करने वालों के प्रति भी अस्पृश्यता का व्यवहार अनेक लोग करते हैं। इसके बावजूद जो लोग कुष्ठ प्रभावित लोगों के बीच निरंतर सेवा कार्य करते हैं उनका मनोबल कितना ऊंचा होता है और उनका हृदय कितना विशाल होता है, यह एक सामान्य व्यक्ति की कल्पना से परे है। अभी हाल ही में मुझे ऐसे ही दृढ़ मनोबल और विशाल हृदय वाले अत्यंत वयोवृद्ध स्वामी शिवानंद जी को पद्मश्री से सम्मानित करने का अवसर मिला। लगभग 125 वर्ष के स्वामी जी पिछले 50 वर्षों से अनेक कुष्ठ प्रभावी गरीब लोगों की जगन्नाथपुरी में सेवा करते रहे हैं। वे ऐसी सेवा कोई स्वर की सेवा मानते हैं।
स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, जीव सेवा से बढ़कर और कोई दूसरा धर्म नहीं है।